हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज जो टॉपिक लेके आया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा कि स्लैब कास्टिंग के होते ही तो उसमें थोड़ी टाइम बाद क्या होता है, क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्रैक्स क्यों क्रिएट होते हैं, होने चाहिए या ना होने चाहिए, उनको मतलब रीज़न क्या है क्रैक्स होने का, वो आज मैं उस पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो आज सामने देख रहे हो हमारे यहाँ क्रैक्स पड़े हुए हैं। ये क्रैक्स पड़ने का रीज़न क्या है, ये है मतलब श्रिंकेज हुई है। मतलब एक कंक्रीट क्या होता है, एक्सपेंड करता है, जैसे हमारे टेम्परेचर डिफरेंसेस आते हैं या ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, कंक्रीट श्रिंक करता है। ठीक है, और यहाँ भी जो हमारे जो ये यहाँ पे क्रैक्स आए हैं वो भी कौन से हैं, प्लास्टिक श्रिंकेज यहाँ हुई है। और भी काफ़ी मतलब चीज़ें रहती है जिससे क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है। मैं बता दूंगा कि किस किस वजह से क्रैक आते हैं। तो सबसे पहले मतलब हमारा ये हो गया कि मेन जो क्रैक्स आते हैं कंक्रीट में कास्टिंग के तुरंत बाद, वो आ जाते हैं श्रिंकेज होने से, और ये प्लास्टिक श्रिंकेज हुई है। दूसरा आता है हमारा कि मतलब वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाए कंक्रीट में, या तो सेग्रीगेशन हो गया, मतलब अलग पानी अलग हो गया और आपका एग्रीगेट अलग हो गया, तो उसमें भी क्या सरफेस श्रिंकेज हो जाती है, मतलब थोड़ा क्रैक्स क्रिएट हो जाती हैं। दूसरा चीज़ होगी मतलब अगर जो आपने कवर है उसमें अच्छे से प्रोवाइड नहीं की है तो यहाँ आपके क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। दूसरा हो गया हमारा जो वाटर सीमेंट रेशो, अगर पानी आपने मतलब ज़्यादा कर दिया है उसमें, अगर कंक्रीट में पानी ज़्यादा है तो वो भी उसके बाद भी मतलब क्रैक्स आ सकते हैं आपकी स्लैब में। नेक्स्ट है हमारा क्रोजन, अगर क्रोजन हो जाए मतलब जो आपने रीइंफोर्समेंट यूज़ की है उसमें वो क्रोजन से भरी हुई है, तो उसकी वजह से भी इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि जो आपका कंक्रीटिंग होता है मतलब एक तुरंत उसमें हार्डनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब हाइड्रेशन एकदम से स्टार्ट हो जाती है और जल्दी एकदम से रैपिड हार्डनिंग से भी आपकी स्लैब में क्रैक्स आ जाते हैं। और यही था आज का हमारा टॉपिक कि क्रैक्स क्यों क्रिएट होते हैं और इसकी कोई ज़्यादा परेशानी तो नहीं है। तो मतलब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये क्रैक्स आते ही आते हैं, मतलब श्रिंकेज होती है। ऐसे आगे आगे समर आएगा तो समर में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसमें क्या करना चाहिए आपको, क्यूरिंग कंटिन्यू, मतलब जैसे ही आपका कंक्रीटिंग हुआ क्यूरिंग आपको कंटिन्यू कर देनी चाहिए, तो उससे भी क्रैक में थोड़ी कमी आएगी। और जो हमारे वाटर सीमेंट रेशो है मतलब 0.5 से आपको ज़्यादा वाटर यूज़ करना ही नहीं है। तो आज का ये टॉपिक था। और यहाँ आप सामने देख रहे हो ये कुछ ज़्यादा क्रैक्स है, ये थोड़े सेटलमेंट की वजह से ज़्यादा हैं, बाकी श्रिंकेज से हैं, लेकिन थोड़ा क्या हुआ जो प्रॉप्स हमने यूज़ किए हैं वो थोड़ी डाउन हो गए हैं, उसकी वजह से ये ज़्यादा है। और ये है भी हमारी कैंटिलीवर स्लैब है, तो थोड़ा बहुत इसमें क्रैक्स आए हुए हैं श्रिंकेज से और प्रॉप सेटलमेंट से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज ये हमारा टॉपिक था इस पर क्रैक्स पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। हाँ।